हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर हम फिटिंग वाली पैंट कटिंग करेंगे। और दोस्तों, इसका मैं बताता हूं आपको मेजरमेंट्स, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 37.5 इंच है, कमर है 34 इंच, हिप है 38 इंच और थाई है 23.5 इंच और मोरी यानी बॉटम वो है 12.5 इंच। तो हम सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे निशान लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, इस प्रकार ऊपर सीधा करने के लिए और यहाँ पर कन्नी से थोड़ा हटा के हल्का सा और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमारी लंबाई नापेंगे। तो हम यहाँ 1 इंच निकालेंगे ऊपर और यहाँ पर लगा देंगे 37.5 पे एक निशान और 2.5 इंच लगा देंगे मोरी में फोल्ड होने के लिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे लटक यानी आसन, जो भी इसका रखेंगे वो रखेंगे हिप के हिसाब से। तो दोस्तों, हिप है इसकी 38 इंच, तो 38 का हम 4 भाग कर लेंगे दोस्तों, होता है 9.5 इंच, ठीक है। आपको बिल्कुल सेम ऐसे रखना है, बहुत सिंपल है लटक को रखना। मैं हर पैंट में लटक के बारे में जरूर बताता हूँ कि जिस काफी लोगों की परेशानी जो आती है वो लटक में आती है। यहाँ पॉकेट की लेंथ लगाएंगे 7.5 इंच और यहाँ पर पॉकेट का फैलाव रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच। अब यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेते हैं, एक निशान ये लगा लेंगे। कमर है इसकी 34 इंच, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 34 और थाई है यहाँ पर 23.5 इंच, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 23.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर नीचे बॉटम में हम निशान लगाएंगे लंबाई वाला और दूसरा निशान लगाएंगे जो मोरी में फोल्ड होता है, ये आप 2.5 से 3 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारी थाई है वो है 23.5, तो 23.5 का हम हाफ कर लेंगे तो होता है 11 दुनी 22 23, 23.5 यानी 12.5 इंच, 23.5 का हाफ 12.5 इंच। अब हम जो फलाई की गहराई लेंगे दोस्तों, वो लेंगे 1.25 इंच। अब हम यहाँ पर लेंगे अपने सामने को 4 भाग में करेंगे, तो यहाँ से 1/2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन और जो 34 इंच कमर है इसको कर लेंगे 4 भाग, तो दोस्तों ये होता है 8.5 इंच और 1/2 इंच देंगे यहाँ पर सिलाई मार्जिन। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर स्केल से हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब जहां से हमारी जो फलाई लगती है वो निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पे, इस तरीके से हम अपने सामने को डाउन करेंगे 1/4 इंच, तो हम यहाँ पर 1/4 इंच से डाउन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे हम एक निशान जो हमने ऊपर थाई पे लगाया था 23.5 का हाफ करके, तो यहाँ पर वो हुआ 1/4 इंच, तो 23.5 का हाफ 1/4 पर हम यहाँ निशान लगा देंगे। उसका भी हम हाफ करेंगे 1/4 का, तो दोस्तों होता है 6 इंच में एक सूत कम करके। उसके बाद में मोरी है वो है 12.5 इंच, तो 12.5 का हम यहाँ पर 4 भाग कर लेंगे दोस्तों, होगा इस निशान से 20 वाले निशान से 3 इंच एक सूत हुआ, मगर आप 3.25 पे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर लगाएंगे आप 6.25 पे इस तरीके से, ठीक है। और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर ये स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद में यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। एक निशान इधर की साइड में लगाएंगे, हल्का सा क्रॉस करेंगे। अब दोस्तों, यहां पर हमारे निशान लग चुके हैं, अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। एक कट लगाएंगे मोरी में जो फोल्ड होता है हल्का सा, दूसरी साइड में भी लगाएंगे और एक 1/2 इंच का कट यहाँ लगाएंगे, एक फलाई वाला। तो हमने यहाँ पर सामना अपने बिछा दिया है बैक कटिंग करने के लिए, एक निशान लगाएंगे लंबाई वाला, ठीक है, और दूसरा लंबा निशान लगाएंगे आसन वाला।
और तीसरा निशान लगाएंगे हम अपने सामने से बैक को उठाने के लिए, वो लगाएंगे 1.25 इंच, और पीछे से मिला के रखे हुए इस तरीके से। मिला के रखने के बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, सबसे नीचे बॉटम में हम बैग में मार्जिन देंगे, वो देंगे 1.25 इंच, और यहाँ फिटिंग की पैंट में जो हम लूजिंग छोड़ते हैं वो देते हैं 1.25 इंच, और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन देके कमर का 4 भाग कर लेंगे दोस्तों, होता है 8.5 इंच, 34 इंच कमर का। उसके बाद में 1 इंच डालेंगे हम जो पीछे बैग में प्लेट पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में जो सीट जुड़ाई होती है, सीट जुड़ाई करते हैं ना, उसके लिए 2.5 इंच छोड़ेंगे। अगर आपकी कमर का साइज कम है तो आप यहाँ 2.25 इंच या 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हिप है हमारी 38 इंच, इसका 4 भाग होता है 9.5 इंच, तो 9.5 का यहाँ निशान लगा देंगे 4 भाग करके, 1/2 इंच देंगे यहाँ लूजिंग, और इसको इस तरीके से निशान लगा देंगे। यहाँ पर दे देंगे गोलाई, ठीक है। गोलाई देने के बाद में स्केल लेंगे और इस स्केल को इस तरीके से निशान लगा देंगे, और यहाँ पर हल्की सी लूजिंग छोड़ेंगे, जो हमारे लूज करने के लूज पैंट अगर टाइट हो जाए थाई पे तो हम लूज कर सकें। अब दोस्तों हमारे यहाँ निशान लग चुके हैं, अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। दोस्तों आपको कटिंग में कोई अगर परेशानी है, आपकी कोई समझ में कुछ नहीं आया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।